आज आपकी होंडा ट्विस्टर बाइक के लिए लेकर आए हेडलाइट काउल। यहाँ पर हमारे पास होंडा कंपनी का प्रोडक्ट है जिसको आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। सोना ऑटोमोटिव। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वासिल सिद्दीकी, वेलकम टू सोना ऑटोमोटिव। सोना ऑटोमोटिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास होंडा ट्विस्टर बाइक का हेडलाइट ब्रैकेट जो कि जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे, क्वालिटी दिखाएंगे, कैसे आपको यूज करना है, किस तरीके से इसकी क्वालिटी होती है, कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, तो सारी ही चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर है हमारे पास होंडा ट्विस्टर का हेडलाइट ब्रैकेट जिसके ऊपर हमारा पूरा हेडलाइट का फ्रेम फिट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको इसका पार्ट नंबर दिखा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं 61312KWS900 इसका पार्ट नंबर है। इसका आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, कवर हेडलाइट रियर इसका नाम होता है, हेडलाइट ब्रैकेट भी कहते हैं, काउल भी कहते हैं, तो काफी सारे नाम होते हैं। सेम पार्ट नंबर आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। प्राइस हमने इससे हटाया हुआ है, प्राइस हम वीडियो क्लास में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो जल्दी से इसे बाहर निकालते हैं, उसके बाद आपको क्वालिटी दिखाते हैं। यहाँ पर हमने अनबॉक्स कर लिया है होंडा ट्विस्टर बाइक के हेडलाइट के काउल को, हेडलाइट के ब्रैकेट को। तो कुछ इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग होती है, आप अपनी बाइक से मैच करके उसके बाद ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल इंडिया हमारी डिलीवरी होती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको क्वालिटी को दिखा देते हैं, कैसे आपको क्वालिटी मिलने वाली है। तो होंडा का जेन्युइन प्रोडक्ट, इसकी जो क्वालिटी है वो काफी प्रीमियम है। सबसे पहले आप यहाँ पर कॉर्नर की जो इसकी फिनिशिंग है उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो फिनिशिंग होल्स की है एंड जो फिटिंग दी गई है उसकी जो क्वालिटी एंड फिनिशिंग है उससे आप इसकी क्वालिटी का आइडिया लगा सकते हैं। बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट आपको मिलता है, कहीं भी कोई भी रेशे या कहीं भी कोई भी शार्पनेस आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है। तो कुछ इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग होती है। यहाँ पर फिटिंग के लिए होल दिए गए हैं, स्क्रू के लिए, इनकी क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसकी फ्रेमिंग आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हम चेक करते हैं कहीं पर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिलती है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको होंडा की ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, पार्ट नंबर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, काफी छोटा सा यहाँ पर मार्किंग की गई है होंडा की ब्रांडिंग की। इसके अलावा यहाँ पर जो मटेरियल है वो काफी अच्छा है, जो इसकी थिकनेस है वो चेक कर सकते हैं, काफी मोटा प्लास्टिक यूज किया गया है मजबूती के लिए। इसके अलावा इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी आप चेक कर सकते हैं, काफी फ्लेक्सिबल है। तो आपको ये प्रोडक्ट जेन्युइन ही यूज करना चाहिए क्योंकि काफी रीजनेबल प्राइस में आ जाता है एंड क्वालिटी काफी अच्छी होती है। एंड जो बाइक की फ्रंट फेयरिंग है या फ्रेमिंग है पूरा ही इसके ऊपर टिका होता है, हेडलाइट वाइजर सारी चीजें की जो फ्रेमिंग है वो इसी के ऊपर की जाती है। तो ये पार्ट हमारा हमेशा अच्छा हमें लेना चाहिए, होंडा का जेन्युइन लेना चाहिए। तो काफी सारे स्पेयर पार्ट्स ऐसे होते हैं जो आफ्टर मार्केट काम कर जाते हैं, बट कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो हमें जेन्युइन ही प्रेफर करने चाहिए, प्रायोरिटी में रखने चाहिए। तो उसी तरीके से इसकी क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है। फिनिशिंग आपको हमने दिखा दी है, बाकी फाइबर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, मैट फिनिश में आपको मिलता है। इस तरीके के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, मीटर काउल या कोई भी अंडर पार्ट, वो आपको मैट फिनिश में मिलते हैं, शाइनिंग में नहीं मिलते हैं, क्योंकि कोई भी स्क्रैचेस वगैरह का इनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसकी फिटिंग है। इसके साथ में आपको कोई भी स्क्रू या कोई भी अलग से स्पेयर पार्ट नहीं मिलता है, ना कहीं आपको यहाँ पर रबर या कोई भी स्पेयर पार्ट देखने को मिलता है। तो जो भी पार्ट है वो आपके सामने है, सारी क्वालिटी हमने आपको दिखा दी है। अच्छी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। होंडा ट्विस्टर में एक ही मॉडल आता था, तो सेम ही फिट होने वाला है। आप होंडा ट्विस्टर कोई सा भी आपका मॉडल है उसमें इजिली फिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसकी क्वालिटी है, फिनिशिंग है, सारी चीजें हमने आपको यहाँ पर दिखा दी है। फिर से आप एक बार इसकी डिजाइनिंग देख सकते हैं। यहाँ पर एक ही साइड में पत्ती आती है, दूसरी साइड में नहीं आती है, आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी स्पेयर पार्ट्स आप हमसे घर बैठे मंगा सकते हैं। होंडा ट्विस्टर का, होंडा CBR का, होंडा एक्टिवा का, बजाज की बाइक्स का, पल्सर 125, NS 160, सभी बाइकों के स्पेयर पार्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। किसी बाइक का आप हमसे घर बैठे मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉलिंग नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां पर जाकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। इसके प्राइस जानने के लिए आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी इसका प्राइसिंग होगा बेस्ट से बेस्ट आपको बता दिया जाएगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं। प्रीपेड डिलीवरी होती है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती है। तो काफी सारे मैसेज आते हैं कैश ऑन डिलीवरी के लिए, कैश ऑन डिलीवरी सर्विस हमारे पास नहीं होती है। कोई भी आप स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर करेंगे पेमेंट आपको पहले करनी होती है, 5 से 7 दिन में आपका जो स्पेयर पार्ट्स है वो डिलीवर हो जाता है ऑल इंडिया। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ट्रैकिंग आईडी आपको दी जाती है, रिटर्न पॉलिसी मिलती है 3 डेज की। तो आप ट्रस्ट करके इजिली ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी हमारी तरफ से सपोर्ट में या किसी भी चीज में कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, उसी टॉपिक पर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू।